अब जागे या नहीं? माफ करना, पर ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। बहुत हो गया, मैं तुम्हें हमारी मेहनत बर्बाद नहीं करने दूंगी। जाओ यहाँ से और अपना पेट कहीं और भरो। गुस्सा क्यों होती हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद शहद नहीं चुराऊंगा। हाँ, ये मैंने पहले भी सुना है, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आओ साथियों, इस पोटे को सबक सिखाओ। बचाओ। मधुमक्खियां आज नाराज लग रही हैं। पता नहीं बलू ने क्या कर दिया। पता नहीं। दूर हटो, मेरे पीछे छोड़ो। पूरा चेहरा सूज गया है। जल्दी से एलेक्स को बुला लाओ बकशॉट। हाँ, अभी जाता हूँ। उन मधुमक्खियों ने बहुत डंक मारा है। चोरी करोगे तो यही हाल होगा। फिक्र मत करो, एलेक्स आती ही होगी। मेरी नाक भी सूज गई है। एलेक्स! हाँ, मुझे बताओ हुआ क्या है ताकि मदद कर सकूं। बलू पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। वो जरूर शहद चुरा रहा होगा। पता नहीं, कब वो अपनी गलतियों से सीखेगा। वैसे बक्शोट, मुझे बताओ मधुमक्खियों ने डंक भी मारा है? ओ हाँ, बहुत बार। बस तुम थोड़ा रुको, मुझे अपनी खास बाम की जरूरत है। बस थोड़ा सा रुको, तुम कहीं मत जाना। तुम्हारी पीठ पर बैठकर चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। हिलना मत, ऐसे ही रहो, मुझे छलांग मारनी है। तैयार एलेक्स? चलो चलते हैं, पकड़े रहना।
दर्द हो रहा है। वो आ गए। हमसे जितना जल्दी हो सका हम आ गए। शहद चुराओगे तो यही होगा। मुझे पता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता। मुझे शहद पसंद है, मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई। फिक्र की कोई बात नहीं है, मेरे पास तुम्हारी सूजन का अच्छा इलाज है। आराम से एलेक्स। अब तुम्हारी हर गांठ पर एक पट्टी लगानी होगी। ये लो, तुम क्या छोटे बच्चे हो, और कितनी आराम से लगाऊं। ये लो, सब हो गया। अब जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे हरा रंग मेरे लिए अच्छा है। अब अच्छा लग रहा है। अरे तुम अपनी जगह वापस जाओ, मुझे ठीक कौन करेगा। अपने मरीजों की परेशानी पर हंसना अच्छी बात नहीं। मुझे पता है अगर तुम्हें भी मेरी तरह शहद पसंद होता, तुम भी अपने आप को मेरी तरह रोक नहीं पाते उसे खाने से। खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। हाँ, लालच बुरी बला है, पर बाकी भालुओं की तरह मुझे भी खाना बहुत पसंद है। हाँ, हम ये जानते हैं बलू। तुम अगर नहीं भी बताओ तो तुम्हारा ये बड़ा हुआ शरीर इस बात का गवाह है। तुम्हें बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखानी चाहिए। ये फालतू की बातों से इनका दिमाग। मैं कोई बुरी बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब इतना बुरा मत मानो, इससे तुम्हारी सूजन और बढ़ रही है बलू। माफ करना, मधुमक्खियों का डंक अभी तक चुभ रहा है, इसलिए गुस्सा आ गया। लालच सच में बुरी बला है। चलो सिम्बा, मैं तुम्हें आज शिकार करने का पहला सबक सिखाता हूँ। हाँ, वाह, चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे। अरे अरे, तुम्हें क्या हुआ? मैं सिम्बा के लिए खुश हूँ। अब चलो बलू, तालाब तक दौड़ लगाते हैं। चलो सिम्बा, मेरे साथ चलो। हाँ, आ गया। कहीं गुम मत हो जाना। फिर मिलेंगे दोस्तों। अच्छा शिकार करना। सिम्बा, उछलना बंद करो और शांति से मेरे साथ चलो। ठीक है सिम्बा। अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखो। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा बगीरा। जब भी तुम बाहर शिकार पर जाओ, तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा, समझे? सबसे पहले तुम्हें अपने सूंघने की क्षमता को बढ़ाना होगा, वही तुम्हें शिकार तक लेकर जाएगी। क्या अभी तुम कुछ सूंघ पा रहे हो? देखो, मैं सूंघ सकता हूँ और मुझे लगता है यहाँ कहीं खरगोश है। लेकिन याद रखना, सूंघने की शक्ति से ही तुम शिकार नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे शिकार की गंध का पीछा करना होता है। वो देखो, बिखरी हुई पत्तियाँ। हाँ। खरगोशों ने उन्हें कुतर के खा लिया है ना? उनकी गंध का पीछा करो। पास है। हो रहा बिल में जाने का रास्ता, इंतजार करो। वो खुद ही बाहर आ जाएंगे, तुम्हें बस थोड़ा धीरज रखना होगा। अभी नहीं तो फिर बाद में वो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। अब बाहर निकलो भी खरगोशों। चलो अब इन खरगोशों को यहीं छोड़ दो। लेकिन क्यों बगीरा? आज तुम्हें बस अलग अलग तरह की गंध को पहचानना सीखना है। ये तो बक्सर की गंध है। नहीं, ये हिरन की गंध है सिम्बा। बक्सर की गंध ऐसी नहीं आती। हर जानवर की अपनी एक गंध होती है और ये किसी बड़े हिरन की गंध है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ है? हाँ? अभी दिन के समय वो और उसके बाकी हिरन साथी तालाब के पास प्रतियोगिता कर रहे हैं। हाँ?
देखा तुमने? वो सब यही हैं। वो इस तरह लड़ क्यों रहे हैं? जो भी इस खेल में जीतेगा वो झुंड के मादा हिरणों का नेता बनेगा। मतलब वो हिरनियों के लिए लड़ रहे हैं? हाँ, यही इनका नियम है। सिर्फ एक ही नर मादा हिरणों का नेता बन सकता है जो ताकतवर होता है। उसके बाद झुंड के सारे सदस्य उस नेता की आज्ञा का पालन करते हैं। देखो, झुंड की सबसे खूबसूरत मादा बड़े ध्यान से सब देख रही है। आगे बढ़ते, अभी बहुत कुछ सीखने को है। अब हम किस जानवर की गन का पीछा करेंगे? हाँ, हाथी। किसी जानवर का नहीं, अब हम ताजा पानी ढूंढेंगे। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ बकीरा। शायद मैंने देखा कि बकशॉट मुसीबत में है। शायद ये तुम्हारी छठी इंद्री का इशारा है। छठी क्या? इसका क्या मतलब हुआ? हम इसे आभास भी कहते हैं। समझना थोड़ा मुश्किल है। ये एक ऐसी भावना है जो आपके अंदर की गहराई से आती है, पर क्योंकि वो सिर्फ एक एहसास होता है तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम उस पर विश्वास करो या नहीं। ये बात सच है। अब मैं अपनी छठी इंद्री पे भरोसा करूँगा। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है तो ठीक है। छठी इंद्री क्या कहती है? ध्यान से। मुझे उस पर नजर रखनी होगी। सिम्बा, तुम ठीक तो हो ना बकशॉट? याद रखना, मैं सिर्फ आदेश का पालन कर रहा था। अपने मालिक से कहो, एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा उसे सबक सिखा के रहूंगा। जाओ। मैं जाकर उसको बोल दूंगा। सब ठीक हो जाएगा। चलो चलकर एलेक्स को ढूंढें, वो हमारी मदद करेगी। शुक्रिया। एक दिन तुम जरूर महान राजा बनोगे। तुम चल सकते हो ना? हाँ, लगता तो है। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? मैं बगीरा के साथ शिकार करने की कला सीख रहा था कि अचानक से मुझे आभास हुआ कि तुम्हें मेरी जरूरत है। हाँ? क्या आभास? बगीरा ने छठी इंद्री कहा था। मुझे बस पता था तुम मुसीबत में हो। अब चलो। सच में? सूरज की रोशनी में एक झपकी ले लेते हैं। हाँ चलो चलते हैं, शायद नींद लेने से मैं ठीक हो जाऊँ। बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ।
अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, जमीन पर सो जाओ और सूरज की तरफ देखो। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। इससे तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा। ये। चुप रहा है। कैसे हो? हटो यहाँ से। मेरी नाक को कोई छुए मुझे पसंद नहीं। क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि सूरज की तरफ सीधा नहीं देखते सिम्बा? ये खतरनाक है, तुम्हारी आंखें जल सकती हैं इससे। मुझे अकेला छोड़ दो, तुम्हारा यह ज्ञान अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। जैसे तुम्हारी मर्जी, पर अगर तुम्हारी आंखें जल गई तो तुम ठीक से देख नहीं पाओगे। तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, सूरज को इस तरह से देखना ठीक नहीं है। तुम सो जाओ बकशॉट, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। सूरज भाई साहब, बताइए आप इतने गर्म क्यों है, मुझे जानना है। तुम कभी भी मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। मेरी गर्मी और शक्तियाँ तुम्हें जला के खाक कर सकती हैं, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो। विश्वास नहीं होता, मेरी आंखें बंद है फिर भी सूरज दिख रहा है। मेरी शक्तियाँ अनंत हैं। हाँ? सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा। तुम्हें इस तरह सूरज को घूर के नहीं देखना चाहिए। पर क्यों नहीं, तुम तो उस दिन कह रहे थे सूरज हमारा दोस्त है। हाँ, लेकिन उसे इस तरह घूर के देखना खतरनाक हो सकता है सिम्बा। हाँ? सच में? सूरज जीवन दाता है, उसके बिना धरती का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जानवर नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, पेड़ पौधे भी नहीं। तुम्हें उसकी शक्तियों का आदर करना चाहिए। मैं तुम्हें मेरे दोस्त की कहानी सुनाता हूँ, जिसने एक बार सूरज को घूरा था, उसकी आंखें चली गई थी। गरम सूरज, कमाल का सूरज, तुम्हारी शक्तियों के पीछे का क्या राज है? तुम्हारी गर्मी से मेरी त्वचा खिल जाती है। मैं सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, सबकी मदद करता हूँ। हाँ, पर मैं तुम्हारी शक्तियों का राज जानना चाहती हूँ, मुझे बताओ सूरज। करो, मैं अंधी हो गई। तुमने सूरज को चुनौती दी ना? मैं कुछ नहीं देख पा रही, मदद करो। ओ बेचारी, मैं एलेक्स को बुला लाता हूँ, शायद उसके पास कोई इलाज हो इसका। हिलना मत यहाँ से। एलेक्स, एलेक्स। हाँ? क्या हुआ? मेरे साथ चलो, मेरे एक दोस्त को तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है। काँ, काँ। ये एलेक्स है, ये तुम्हारी मदद करेगी। तो कुछ करो एलेक्स, इसकी आंखें वापस लौटा दो, दया करो। ठीक है, देखते हैं। तुमने इसे ठीक कर दिया तो तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, पता नहीं ये ठीक हो पाएंगी या नहीं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा मेरी प्रिय, मैं तुम्हारे लिए हर रोज शिकार करूंगा। शायद इससे कुछ मदद मिले। हिलो मत। उसने सूरज को बहुत देर तक घूर कर देखा है, जिसका भुगतान उसे अपनी आंखें देकर करना पड़ा। ये बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा, तुम्हें अपने पास रखूंगा हमेशा प्रिय, तुम फिक्र मत करना। और इसी वजह से मेरी दोस्त आज देख नहीं पाती। तो तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली दोस्तों, कि तुम्हें कभी भी प्रकृति को चुनौती नहीं देनी चाहिए। समझ गया, आज के दिन मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अवश्य तुम्हें और भी बहुत कुछ सिखा सकता है सिम्बा, वो मुझसे भी कहीं ज्यादा जानता है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। चलता हूँ। सिम्बा,
अगर तुम चाहो तो हम माँ के घर तक दौड़ लगा सकते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो चलो चलो, मुझे घर जाना है, भूख लगी है। तुम कभी हमारे साथ नहीं खेलते? ओह, तुम लोग आ गए, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। माफ करना माँ, पर आज हमने बहुत कुछ सीखा। किम्बा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, मुझे बहुत कुछ सीखना है जंगल और इसके प्राणियों के बारे में। मैं हर दिन सीख रहा हूँ। हमें तुम्हारी याद आ रही थी सिम्बा। चलो खेलें। बक्सर बेटा, तुम्हें क्या हुआ? उन बंदरों ने मिलकर मुझसे हाथापाई की। लेकिन क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम अकेले थे क्या? मुझे सब कुछ बताओ। सिम्बा कहाँ था? मैं बगीरा के साथ था माँ, वो मुझे गन पहचानने का पाठ पढ़ा रहा था और शिकार करना। तुम आज शिकार सीखने वाले थे ना? कैसा रहा पहला दिन, तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा था, पर मुझे अचानक से एक आभास हुआ कि बक्सर किसी मुसीबत में है और उसे मेरी मदद चाहिए। चलो, अच्छी बात है तुम्हें आभास हुआ। हाँ, मैंने उसे यही बताया, हमारा सिम्बा काफी चौकन्ना रहता है, बाकी पांच इंद्रियों से पहले वो अपनी छठी इंद्री का इस्तेमाल करता है। हाँ, उसने मुझे बताया, तुमने उसे सूंघ कर शिकार करना सिखाया। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह बनोगे, मददगार और दयालु। बक्सर, तुम डर गए थे क्या? बंदरों ने मुझे बहुत परेशान किया। अबरू, तुम सब जाओ और एलेक्स को साथ लेकर आओ, बक्सर की मदद करनी है। जल्दी जाओ बच्चों। जी माँ। मैं इंतजार करूंगा, जल्दी वापस आना। वो ठीक तो हो जाएगा ना? बिल्कुल, घबराने की बात नहीं है। सच में? तुमने देखा बघेरा, ये बिल्कुल अपने पिता की तरह दयालु और समझदार है, और कितना आत्मनिर्भर। फिक्र मत करो, प्रकृति उसका ध्यान रखेगी। सिम्बा जीवन के बारे में सीख रहा है, उसके दोस्त इंद्रियों की सहायता से उसे शिकार करना सिखा रहे हैं। सबके साथ मिलजुल कर रहना और सबका आदर करना, ये सब कुछ सिम्बा को सीखना है। जब सिम्बा बड़ा होगा तो किस तरह दूसरों की भलाई करेगा, ये जानने के लिए देखते रहिए।